इजी टू डिजाइन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम 3D मॉडल प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम ये मॉडल ड्रॉ करेंगे इस 2D ड्राइंग की मदद से। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करें, स्केच। अगर आप एक बिगिनर हैं तो ड्राइंग को अच्छी तरह से रीड करें और स्टेप वाइज बनाना शुरू करें। सेंटर सर्किल का डायमीटर 31 mm और सेंटर लाइन सर्किल का डायमीटर 81 mm। सर्किल कमांड की मदद से सर्किल ड्रॉ करें जिसका डायमीटर 31 mm। एंटर। दूसरा सर्किल ड्रॉ करें और इस सर्किल पर क्लिक करें और मेक कंस्ट्रक्शन लाइन और इसका डायमीटर 81 mm। एंटर। 81 mm सेंटर लाइन सर्किल से नीचे की तरफ 12 mm रेडियस का 6 आर्क है। आर्क कमांड की मदद से आर्क ड्रॉ करें जिसका रेडियस 12 mm। एंटर। आर्क के सेंटर लाइन और शिफ्ट के साथ ओरिजिन पॉइंट सेलेक्ट करें और रिलेशन मेक वर्टिकल अप्लाई करें। आर्क के सेंटर लाइन और ये सेंटर लाइन सर्किल सेलेक्ट करें और रिलेशन मेक कॉन्सिडेंट अप्लाई करें और ये नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 6 है। तो हम स्केच पैटर्न में सर्कुलर स्केच पैटर्न सेलेक्ट करेंगे और पॉइंट में या ओरिजिन पॉइंट सेलेक्ट करें और एंटिटी टू पैटर्न में ये आर्क सेलेक्ट करें और नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 6 हैं। ओके करें। इस पॉइंट पे क्लिक करें और शिफ्ट के साथ ओरिजिन पॉइंट पे क्लिक करें और रिलेशन मेक कॉन्सिडेंट अप्लाई करें। तो ये फुल्ली डिफाइन हो गया। दोनों आर्क पॉइंट से लाइन ड्रॉ करें जिसका हाइट 17.90 mm और इन दोनों लाइन के बीच का एंगल 35.55 डिग्री और ऊपर के एज पे फ्लिट लगा हुआ है 1 mm रेडियस का और ये नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 6 हैं। तो लाइन कमांड की मदद से सेंटर लाइन ड्रॉ करें। और इन दोनों लाइन के बीच का एंगल 60 डिग्री। एंटर। लाइन कमांड की मदद से इस आर्क पॉइंट से यहाँ तक लाइन ड्रॉ करें और यहाँ से इस आर्क पॉइंट तक फिलेट 1 mm रेडियस। एंटर। सेलेक्ट करें यह पॉइंट। ओके करें। और इस लाइन का हाइट 17.90 mm। एंटर। और इन दोनों लाइन के बीच का एंगल 35.55 डिग्री या ऑलरेडी डिफॉल्ट 35.55 डिग्री ही है। सर्कुलर स्केच पैटर्न सेलेक्ट करें पॉइंट और एंटिटी टू पैटर्न वाले बॉक्स में क्लिक करें और सेलेक्ट करें ये लाइन, ये आर्क और ये लाइन और नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 6। ओके करें। और इसका थिकनेस 20 mm। फ्यूचर्स
एक्सट्रूडेड बॉस बेस और इसका थिकनेस 20 mm, एंटर, ओके करें। एडिट अपीयरेंस और लाइट ब्लू कलर सेलेक्ट करें, ओके। ट्रायमेट्रिक व्यू बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस करते रहें।